नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निशियम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम OBS स्टूडियो में PTZ कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने PTZ कैमरा को LAN केबल के थ्रू अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर लेना है और आपको ये ध्यान रखना है कि आपका PTZ कैमरा और आपका लैपटॉप या सिस्टम एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि PTZ कैमरा को अपने नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करते हैं और PTZ कैमरा से कैसे डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीख सकते हो कि PTZ कैमरा को अपने नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप देख रहे हो, मेरे पास है एक PTZ कैमरा और इस कैमरे को मैंने LAN केबल के थ्रू कनेक्ट कर रखा है अपने नेटवर्क से, और ये है मेरा लैपटॉप। मेरा लैपटॉप भी सेम नेटवर्क पर कनेक्ट हो रखा है। अब आपको सिंपल अपना OBS स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने अपना OBS स्टूडियो ओपन कर रखा है। ये OBS स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है, OBS स्टूडियो 32.0.1। अब इसके अंदर हम अपने PTZ कैमरा का जो फुटेज है वो भी यहाँ पर लेके आएंगे और PTZ कैमरा को यहीं से हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो OBS स्टूडियो से PTZ कैमरा को कंट्रोल करने के लिए आपको एक छोटी सी प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी। उस प्लगइन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सबसे पहले आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप OBS project.com की इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो PTZ कंट्रोल्स का एक प्लगइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसे हमें अपने सिस्टम पर डाउनलोड करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पर गो टू डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का, इसे आपको नीचे की तरफ लेके जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, OBS PTZ विंडोज X64 431.1.0 installer.exe, तो इसे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे, यहाँ पर एक छोटी सी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ये कुछ परमिशन मांगेगा, तो उसके लिए आपको मोर इन्फो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद रन एनीवे पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हो ये प्लगइन हमारे सिस्टम पर डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद सिंपल फिनिश पर क्लिक करेंगे। OBS स्टूडियो को रिस्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पर ऊपर की साइड जो डॉक्स का ऑप्शन आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। में आप देखोगे तो यहां पर आपको PTZ कंट्रोल्स का एक ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, यानी हमारी प्लगइन यहां प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको PTZ कंट्रोल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे, यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से PTZ कंट्रोल्स की एक विंडो यहां पर आ जाएगी। अब इसे आप कहीं पर भी सेट कर सकते हो। मान लो मैं इसे यहां पर रख देता हूं, जिससे कि आसानी रहेगी, तो मैं इसे यहां पर सेट कर देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो OBS स्टूडियो के अंदर PTZ कैमरा कंट्रोल करने के सारे ऑप्शन यहां पर आ चुके हैं। अब हमें छोटा सा काम करना होगा, PTZ कैमरा की जो वीडियो फुटेज है वो भी हमें OBS स्टूडियो के अंदर लेके आनी है। और हम चाहते हैं हम अपने PTZ कैमरा को किसी USB केबल या HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट नहीं करना चाहते, जो हमारी LAN केबल कनेक्ट हो रखी है, यानी नेटवर्क के थ्रू ही हम उसकी फुटेज को भी OBS स्टूडियो के अंदर लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए जैसे कि आप जानते हो, आप वो वीडियो देख लेना कि नेटवर्क से PTZ कैमरा को कैसे कनेक्ट करते हैं। अब आपको सिंपल अपना गूगल क्रोम ब्राउजर या जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हो वो आपको ओपन कर लेना है। अपने PTZ कैमरा का जो IP एड्रेस है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, एंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ एंटर करोगे, यहाँ पर लॉगिन डिटेल आ जाएगी। यहाँ से आपको अपने कैमरा को लॉगिन कर लेना है। जो भी आपका लॉगिन ID पासवर्ड है वो यहाँ पर डालोगे, PTZ कैमरा आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हो हमारे PTZ कैमरा की फुटेज भी यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी PTZ कैमरा हो, लगभग इसी तरह की सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से हमें एक RTSP का एक URL होता है, वो URL हमें लेना होगा। के लिए आपको यहाँ सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स के अंदर यहाँ आप देखोगे वीडियो ट्रांसमिशन का ऑप्शन आ रहा है, RTSP एड्रेस यहाँ पर आ रहा है। तो ये वाला जो RTSP URL है, इसे हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। और उसके बाद हम जाएंगे OBS स्टूडियो पर और इस URL को हम OBS स्टूडियो के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं।
इसके अलावा यहाँ पर जो हम प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे वो हम करेंगे विस्का ओवर आईपी। तो विस्का ओवर आईपी के लिए यहाँ पर जो पोर्ट हमने सेट कर रखा है वो पोर्ट भी हम यहाँ से चेक कर लेंगे, वो पोर्ट की भी हमें ज़रूरत होगी। तो वो देखने के लिए यहाँ पर एथरनेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करो। अब यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो यहाँ पर विस्का ओवर आईपी का एक पोर्ट नंबर दिया गया है, तो इस पोर्ट का नाम आपको नोट कर लेना है, यह है 52381। इसे मैंने नोट कर लिया है, तो इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसे हम यहाँ से बंद कर देते हैं, वापस चलते हैं अपने OBS स्टूडियो पर। तो यहाँ पर सोर्सेज में प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाएंगे हम मीडिया सोर्स पर, मीडिया सोर्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम कोई भी नाम दे देते हैं, मैं यहाँ पर दे देता हूँ PTZ। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया PTZ कैमरा सुमित, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो लोकल फाइल आ रहा है इसके आगे अनटिक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही आप अनटिक करोगे कुछ ऑप्शन और ओपन हो जाएंगे। इनपुट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हमें उस URL को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर उस URL को मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ और उसके बाद सिंपल अब कुछ भी नहीं करना, ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो हमारे PTZ कैमरा की फुटेज यहाँ पर आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस समय अगर मान लो मैं अपने PTZ कैमरा को रिमोट से अगर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो PTZ कैमरा हमारा यहाँ पर मूव हो रहा है और मैं चाहता हूँ इसे अपने OBS स्टूडियो से इसे कंट्रोल करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने PTZ कंट्रोल्स भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ और सेटिंग्स भी करनी होंगी, जो PTZ कंट्रोल वाली हमने प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल की थी। इसमें नीचे आप देखोगे यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जनरल का ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है ये तीनों आपके टिक होने चाहिए, ऑटो सिलेक्ट, एक्टिव कैमरा, और ये तीनों आपके यहाँ पर टिक होने चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है कैमरा का, कैमरा पर क्लिक करो। अब यहाँ से हमें अपना कैमरा सिलेक्ट करना होगा, उसके लिए यहाँ प्लस के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसमें हमें जो प्रोटोकॉल सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है विस्का TCP, ये वाला प्रोटोकॉल हमें सिलेक्ट करना होगा, विस्का TCP, इसे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो इसका नाम आ जाएगा विस्का TCP, ये हमारा PTZ कैमरे का नाम यहाँ पर आ गया, इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर कुछ और डिटेल ओपन हो जाती है, यहाँ आप देख रहे हो होस्ट का नेम यहाँ पर हमें देना है। अब यहाँ पर आपको अपने PTZ कैमरा का IP एड्रेस एंटर कर देना है, मैंने यहाँ पर इसका IP एड्रेस दे दिया। उसके बाद सोर्स में आप देखोगे तो यहाँ पर आप सोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, यानी जो हमारा PTZ कैमरा है वो किस सोर्स में हमने कनेक्ट कर रखा है। तो मैंने इसे PTZ कैमरा सुमित नाम दे रखा है, वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये सोर्स हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ये सोर्स हमारा यहाँ पर ऐड हो गया। होस्ट में हमने इसका IP एड्रेस दे दिया और जो TCP पोर्ट है, TCP पोर्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, TCP पोर्ट हमने नोट किया था, ये है 52381, ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। बस सिंपल अब आपको यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अब आप देखोगे ये जो PTZ कंट्रोल वाले बटन हैं ये काम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से अगर मैं प्रेस करूँगा तो हमारा कैमरा ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये देखिए कैमरा ऊपर की तरफ जा रहा है, और इससे हम नीचे की तरफ मूव करा सकते हैं इसको, ये देखिए। इसके अलावा किसी पोजीशन में आपको प्रीसेट अगर सेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लो कोई प्रीसेट अगर आपको सेट करना है, तो मान लो प्लस के बटन पर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और प्रीसेट में मैं यहाँ दे देता हूँ Preset 1, तो ये वाली जो पोजीशन है ये प्रीसेट 1 पर हमारी सेट हो जाएगी। पर राइट क्लिक करो, अब यहाँ आप देखोगे रीनेम, सेव कैमरा प्रीसेट, क्लियर कैमरा प्रीसेट, ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ हम सेव कैमरा प्रीसेट पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा प्रीसेट 1 वाली पोजीशन यहाँ पर सेट हो गई। ये यहाँ पर आप इस तरह से प्रीसेट सेट कर सकते हो। तो जब भी आपको कैमरे की पोजीशन को चेंज करना हो तो इन प्रीसेट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीसेट्स के ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना, कैमरा ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अब आप देखोगे कैमरा अपने आप ऑटोमेटिकली मूव होके वहीं पर पहुंच जाएगा जो हमारी प्रीसेट 0 वाली पोजीशन थी, वहां पर जाके अपने आप ही रुक जाएगा, अपने आप ही जूम हो जाएगा, सारा काम अपने आप हो जाएगा। ये हमारी प्रीसेट नंबर 0 थी, तो इसे मैं डबल क्लिक करूंगा Preset 1। अब आप देखोगे ये हमारा डॉल के ऊपर फोकस हो जाएगा। इसी तरह से प्रीसेट 2 पर हमारा DSLR कैमरा, इसे फिर से एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, कैमरा ऑटोमेटिकली हमारे DSLR कैमरे के ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली ये पोजीशन सेलेक्ट करेगा। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ से अगर आपको इसे जूम इन जूम आउट करना है तो यहाँ से आप जूम इन कर सकते हो, इसके ऊपर क्लिक करते जाओ ये जूम इन हो जाएगा, जूम आउट करना हो जूम आउट भी कर सकते हो, मतलब पूरी तरह से आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस तरह से बहुत ही आसानी से आप OBS स्टूडियो से PTZ कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके एक से ज़्यादा PTZ कैमरा है तो उन्हें भी आप नेटवर्क से कनेक्ट करके
OBS स्टूडियो से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको OBS स्टूडियो के बारे में ज़्यादा जानना है, सीखना है, तो OBS स्टूडियो की पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। उन वीडियोस को देखकर आप OBS स्टूडियो को पूरी तरह से सीख सकते हो। उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाके आप OBS स्टूडियो की वीडियोस को देख सकते हो। अगर आपका OBS स्टूडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।